नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान एक सड़क घटना के दौरान मामा भांजे सहित चार जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरे एक गड्ढे में जा उतरी है और पिकअप का पिछला हिस्सा पिचक कर केबिन के ऊपर आ चढ़ा, जिसके दौरान केबिन में बैठे चारों जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। मृतकों में दो सगे मामा भांजे शामिल है और यह घटना सुबह करीब 4 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है और मृतक है जो राजस्थान के धौलपुर जिले के रहने वाले थे। इस घटना की जानकारी के अनुसार धौलपुर पुराना शहर और पुराना छावनी के रहने वाले चारों युवक हैं जो भैंसों का व्यापार करते थे और चारों युवक शुक्रवार शाम 3 बजे धौलपुर जिले के शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए निकले थे और चारों भैंसों को लेकर लौटते वक्त शनिवार सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के केराव गांव में सड़क घटना के दौरान बताया जा रहा कि बड़ी घटना को अंजाम मिला और जिसके दौरान चारों जनों को मृत घोषित कर दिया गया है और चारों की पहचान है सन्नू कुरैशी 38 वर्षीय, समीर कुरैशी 22 वर्षीय, फरमान कुरैशी 25 वर्षीय और नासिर 20 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना के दौरान सन्नू, समीर और फरमान धौलपुर के पुराना शहर के कसाई पाड़ा मोहल्ले के रहने वाले, जबकि नासिर है जो छावनी मोहल्ले का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि पूरे परिवार में गम का माहौल है और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।